हेलो एंड वेलकम टू स्मैशिंग क्यूजींस गाइस, आज हम बनाने वाले हैं खस्ता करारी फूली फूली कुरकुरी कचौरियाँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस कचौरी की जो कैविटी है ना, वो कितनी अच्छी फॉर्म हुई है, कितनी फूली फूली हमारी कचौरी बनी है, अंदर कितना होलो स्पेस है, बिल्कुल मार्केट जैसी परफेक्ट कचौरी बनी है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स गोल गोल फूली फूली कचौरियाँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक फैले हुए बर्तन में मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हम ऐड कर देंगे अजवैन। अजवैन को दोनों हाथों के बीच में अच्छे से घिसकर ही ऐड करें, इससे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। और साथ में मैंने ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून ऑयल, ये ऑयल हम मोयन के लिए डाल रहे हैं। अब क्लीन हैंड से दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, मैदे में ऑयल को अच्छी तरह से लगा दें और फिर मोयन अच्छे से पड़ गया है या नहीं उसका एक टेस्ट है। आप अपनी मुट्ठी में मैदे को बांध कर देखें, अगर बॉयल बन जाए बंध जाए मतलब मोयन हमारा परफेक्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे डो बनाने के लिए वाटर, पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही डालें, जल्दबाजी ना करें, ज़्यादा पानी एकदम से ना डालें। इसको बनाने के लिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है, हार्ड डो हमें नहीं चाहिए है, कड़ा आटा हमें नहीं यहाँ पर तैयार करना है, हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना। पूरे आटे को एक साथ एकसार कर लें, इकट्ठा कर लें पूरे आटे को और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको नीड करते रहें। ये देखिए जिस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मसल मसल के नीड कर रही हूँ, उसी तरह से आपको भी अच्छे से नीड करना है इसे। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हमारा डो बन गया है। मैं फिर से थोड़ा सा और वाटर इसमें ऐड करूँगी। पहले आपको लगेगा कि जो डो है वो बहुत चिपचिपा है, लेकिन आप जब इसको नीड करते रहेंगे इस तरह से, आपको इसको बर्तन के ऊपर पटक पटक कर नीड करना है। जैसे आप इसको नीड करते जाएंगे तो पानी आटे के अंदर एब्जॉर्ब होता जाएगा और आटा बिल्कुल स्ट्रेची हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल आटा हमें इसके लिए चाहिए, पूरा ग्लूटेन रिलीज हो जाएगा और इससे जो हमारी कचौरियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पर हमें बहुत ही खिंचने वाला आटा तैयार करना है, उसके लिए हम इसलिए इसको इतना ज़्यादा सा नीड कर रहे हैं। डो को नीड करते हुए मुझे 9 से 10 मिनट हो गए हैं और जो हमारा आटा है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है, बिल्कुल चिपचिपा भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा बिल्कुल बन के हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने इसकी एक बॉल बना दी है और अब मैं इसको एक गीले टॉवल से कवर कर दूँगी। इस तरह से आप गीले टॉवल से कवर कर दें और साइड में इसको रख दें। अब हम जो स्टफिंग है उसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार में 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स डाले हैं और साथ ही मैं ले लूँगी 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मोटा मोटा हमें यहाँ पीसना है, बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा आप इसको पीस लें। अब गैस जलाकर एक पैन लूँगी मैं और इसी में हम अपना स्टफिंग का मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पैन में ले लूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल और वो जो मसाला हमने 3 स्पाइसेस को मिला के तैयार किया था पीस कर, उसको हम ऑयल में डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही हमें सबसे पहले ऑयल में मसाले को भून लेना है। धीरे धीरे से मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसाला बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए, ये वाले जो मसाले हैं आपके बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए। अच्छी सी थोड़ी देर आप भुनेंगे तो उसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी आपको। ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चॉप्ड चिली, हरी मिर्च यहाँ पर मैंने डाल दी है और 2 मैंने क्लोव्स ले लिए हैं गार्लिक के, 2 कली लहसुन की बारीक काट के, 1 मैंने प्याज ले ली है वो भी चॉप करके और अब हम सारी चीज़ों को मिलाते हुए फ्राई करेंगे। यहाँ प्याज को हमको बहुत ज़्यादा रेड होने तक फ्राई नहीं करना है, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, हल्की सी कुक हो जाए तब तक। यहाँ मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून कोरिएंडर, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक भी ऐड कर दिया है साथ में और अब इन सूखे मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे उनके कच्चापन निकल जाने तक।
ये देखिए यहाँ पर मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। मैं साथ ही में डाल रही हूँ 4 चुटकी हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, थोड़ी ज़्यादा ही हींग आप इसमें डालें। सारी चीज़ों को वापस से फ्राई कर लें, थोड़ा सा और भुन लें। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन को भी हमें कच्चापन निकल जाने तक फ्राई करना है। जब बेसन भुन जाएगा तो थोड़ी एक सोंधी सोंधी सी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी बेसन की। अब मैं यहाँ पर 2 मैश्ड पोटैटोज ऐड कर रही हूँ। इसे इसी तरह से हाथ से ही आप मैश करके ऐड करें, इसको ग्रेट करके ऐड ना करें, क्योंकि हमें यहाँ पर एक सूखा मसाला बनाकर तैयार करना है जिसमें पानी वाटर कंटेंट बहुत कम हो। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, और इन चारों चीज़ों को भी हम अपनी स्टफिंग में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने बहुत ही फाइन स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको, ये जो अनियन है, हम इसको ऐड कर रहे हैं फ्लेम को ऑफ करके। ये कच्चा प्याज है, इसको फ्लेम को ऑफ करके ही ऐड करना है और ये आलू की गर्माहट में ही पकेगा। अब देखिए हम वापस अपने आटे को देखते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल रेस्ट भी कर चुका है, सॉफ्ट भी हो गया और हमारा आटा अब तैयार है। अब हम आटे को रोल करेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो इस साइज की आपको बॉल्स बना लेनी है इसकी। और मैंने ये जो स्टफिंग है इसकी भी थोड़ी सी छोटी बॉल बना ली है। ये देखिए इस तरह से बड़ी बॉल आटे की और छोटी वाली स्टफिंग की बॉल है। इन दोनों को अब आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है। मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेनी है। अब मैंने एक आटे की बॉल ली है और उसको साइड से, मतलब जो उसके कॉर्नर्स होते हैं उसको बहुत पतला पतला मैं बढ़ाती जा रही हूँ, प्रेस करती जा रही हूँ अपनी फिंगर्स से। इस तरह की एक पूरी बना लेनी है जो बीच से तो थोड़ी मोटी होगी और जो उसकी साइड्स होंगी वो पतली होंगी। अब इसके अंदर स्टफिंग की बॉल को स्टफ करके हमें अच्छी तरह से एक मोदक जैसा शेप दे देना है। सारे इसके जो ऊपर का जो सील है उसको अच्छे से सील भी कर देना है। इस तरह से अपनी हाथ से इसको राउंड करके, ये देखिए मैं दूसरी भी आपको बना के दिखाती हूँ। इसकी साइड्स में बहुत पतली पतली फोल्ड ऐसे करती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ अपनी फिंगर से, और सेंटर में थोड़ा सा मोटा है। अब मैंने एक स्टफिंग की बॉल ली है और सारी तरफ से आटे को ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए मैंने अगेन इस तरह से इसको बना लिया है। और ऊपर से आपको याद रखना है कि अच्छे से सील करें, वरना ये तेल में जा कर के खुल भी सकता है। ये देखिए मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। ये बहुत सॉफ्ट आटा लगाया है, बहुत ही सॉफ्ट है, आपको इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप अपने हाथों की हेल्प से ही इसको थोड़ा सा प्रेस करें और इस तरह से आप इसको प्रेस करते हुए बड़ा करते जाएं। एक बड़ी पूड़ी का शेप आपको इसको देना है, ये देखिए इस तरह से। तो जो इसका सेंटर पार्ट रहेगा वो थोड़ा मोटा रहेगा और साइड्स जो रहेंगे वो पतले पतले रहेंगे। और इसी तरह से आप इसी प्रोसीजर से सारी अपनी पूड़ियाँ, अपनी कचौरियाँ बना के तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत ही हाई फ्लेम पर बहुत ज़्यादा गरम तेल लिया है और एक एक कचौरी मैं इसमें डाल दूंगी। मैं यहाँ पर कचौरियाँ सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए फ्राई करने वाली हूँ और उसके बाद मैं निकाल लूँगी। 10 सेकेंड से ज़्यादा, 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा आपको हाई फ्लेम पर कचौरियाँ नहीं फ्राई करनी है। ये देखिए बस आपने डालना है, 10 से 15 सेकेंड में आपको अपनी कचौरियों को निकाल लेना है। और अब आप अपनी कचौरियों को साइड में रख दें और तेल को या तो ठंडे होने का इंतज़ार करें या फिर उसमें और भी ज़्यादा ठंडा ऑयल ऐड कर दें। ये देखिए अब मेरा जो तेल है वो ठंडा हो चुका है, बिल्कुल फ्लेम मैंने लो रखी है, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं है। और जो मैंने 10 सेकेंड के लिए अपनी कचौरियाँ फ्राई की थी, अब मैं एक एक करके अपने लो फ्लेम वाले बिल्कुल कम गर्म ऑयल में इनको डालूँगी। आप देखिए डालते ही ऑयल के अंदर
कचौरियों से छोटे छोटे से बबल्स उठने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह के बबल्स उठेंगे आपकी कचौरियों से भी। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑयल है वो बहुत कम गर्म है। ये देखिए, इस तरफ से भी छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं और इस तरफ से भी, बिल्कुल इसी तरह से आपके ऑयल से बबल्स आने चाहिए। ज़्यादा गर्म ऑयल हमें यहाँ नहीं लेना है। जैसे जैसे कचौरियाँ फ्राई होती जाएंगी, हल्की होके आपने नोटिस किया होगा कि कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं। सबसे पहले जो कचौरियाँ थीं वो नीचे ऑयल की तली पे, बर्तन की तली पे थीं, अब ये ऊपर आ चुकी हैं। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि ये देखिए, वाओ कितनी अच्छी हमारी जो कचौरियाँ हैं ना, गोल गोल बिल्कुल फूल गई हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं और ऊपर तैरते हुए फूल गई हैं गोल गोल। बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी कचौरियाँ बनके तैयार होने वाली हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी कम सील थी मेरी कचौरी, हल्की सी ऊपर से खुल गई है। तो इसलिए आप जो कचौरियों को सील करेंगे वो बहुत अच्छे से आपको करना है। बस मेरी कचौरियाँ बिल्कुल बनके तैयार हैं। अच्छा सा इनमें सुनहरा सा एक कलर भी आ गया है, फ्राई भी हो गई हैं। कचौरियों को थोड़े से पेशेंस के साथ फ्राई करिए, थोड़ा वक्त लगेगा। मेरी कचौरी बनके तैयार है। ये देखिए, एकदम फूली फूली कचौरियाँ हमारी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनी हैं। और अगेन मैं आपको इसकी कैविटी चेक कराती हूँ, कितनी अच्छी तरीके से ये होलो है, कितनी अच्छे से फूली है और कितनी अच्छी इसमें कैविटी भी क्रिएट हुई है। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने एक दूसरी कचौरी भी बनाई थी, जिसे मैंने 10 सेकंड के लिए तेज़ गर्म ऑयल में पहले फ्राई नहीं किया था। मैंने इसको डायरेक्टली लो फ्लेम पे फ्राई करना शुरू किया। इससे ये हुआ कि मेरी कचौरी थोड़ी सी कम फूली है, ज़्यादा नहीं फूली है। तो पहले आप 10 सेकंड तक हाई फ्लेम पर अपनी कचौरियों को ज़रूर फ्राई करें और फिर उनको रीफ्राई करें, तभी आपकी जो कचौरियाँ हैं वो फूली फूली गोल गोल बनेंगी। कचौरियों की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, बहुत ही टेस्टी, यमी, डिलीशियस बनती है। किसी भी किटी पार्टी, बर्थडेज के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।